नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एमएस वर्ड 2019 में आप ऑटो टेक्स्ट ऑप्शन का उपयोग कैसे कर सकते हैं। यदि आप किसी भी टेक्स्ट को या किसी इमेज को परमानेंट एमएस वर्ड में स्टोर करके रखना चाहते हैं ताकि ज़रूरत होने पर एक शॉर्ट वर्ड की सहायता से उस डॉक्यूमेंट में जहाँ चाहे वहाँ पेस्ट कर सकें, तो उसके लिए आप ऑटो टेक्स्ट ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। ऑटो टेक्स्ट एक तरह से MS Word का एक शॉर्टकट फीचर है जिसकी मदद से एक ही तरह के टेक्स्ट को बार बार टाइप करने से बचा जा सकता है। इसकी सहायता से आप कंपनी लोगो, कंटेंट, इन्फॉर्मेशंस, डिस्क्लेमर जैसी डिटेल्स जिनकी आपको हर बार ज़रूरत होती है उन्हें बड़ी सरलता से डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ हम आपको एक ज़रूरी बात बता दें कि MS Word में ऑटो करेक्ट और ऑटो टेक्स्ट ऑप्शन लगभग एक ही तरह से काम करते हैं। दोनों में मुख्य अंतर यह है कि ऑटो टेक्स्ट में जब आप चाहेंगे तभी टेक्स्ट कॉपी होगा, जबकि ऑटो करेक्ट बिना आपसे पूछे अपने आप ही यह चेंजेस कर देता है। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो हमारी वीडियोस को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों में इसे शेयर करें। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट करें, और यदि हमारी नई वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंचती रहे तो इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो आपको बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचती रहे। एक्सेल इन्फोटेक के द्वारा बनाई गई अन्य सभी वीडियोस जैसे कि MS Office, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, टेलीप्राइम इत्यादि की प्लेलिस्ट के लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे हमने यहाँ पर कुछ इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है और नीचे हमने एक स्टोरी लिखी है और हमें बार बार इस इंट्रोडक्शन को लिखना पड़ता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पूरे मैटर को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना होगा इंसर्ट टैब के अंदर। इंसर्ट टैब में आपको राइट साइड में टेक्स्ट वाले मेन्यू में जाना है और यहाँ पर आपको क्लिक करके ऑटो टेक्स्ट फीचर पर जाना है। ऑटो टेक्स्ट फीचर पर जाने के बाद सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सेव सिलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट गैलरी, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर नेम का एक ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पर आपको वो नाम देना है जो कि आप इस मैटर को देना चाहते हैं, यानी कि ये हमारा एक इंट्रोडक्शन है तो इसलिए हम इसको नाम दे देंगे इंट्रोडक्शन। आप अपने हिसाब से जो भी मैटर का नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। इसके बाद नीचे की तरफ आप देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई देगा गैलरीज का। गैलरी पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे जैसे कि हेडर, फुटर, पेज नंबर, टेबल, टेक्स्ट बॉक्सेस, वाटरमार्क्स। इनमें से आपका जो डॉक्यूमेंट है वो किस टाइप का डॉक्यूमेंट है आपको उसे यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो हम बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ऑटो टेक्स्ट को ही सिलेक्ट करेंगे। ऑटो टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका है कैटेगरी का। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर कुछ कैटेगरीज आपको दिखाई देंगी जैसे जर्नल, स्टोरी या सामान्य की। इसमें से आप कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई नई कैटेगरी बनाना चाहते हैं तो नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा क्रिएट न्यू कैटेगरी का। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी का नाम दे करके उसको ऐड करा सकते हैं। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर एक कैटेगरी बनाई हुई है जो कि स्टोरी के नाम से है, तो हम इसको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। स्टोरी को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर दे देते हैं। डिस्क्रिप्शन देने के बाद आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका ये जो इंट्रोडक्शन था वो यहाँ पर सेव हो जाएगा। सेव करने के बाद आप जहाँ पर भी इस इंट्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वहाँ पर आपको अपना नाम देना होगा जो नाम आपने यहाँ पर सेव किया था। तो हमने नाम दिया था इंट्रोडक्शन। जैसे हम यहाँ पर 3 से 4 वर्ड टाइप करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक मैसेज आ जाएगा। इस मैसेज में आपके सामने लिखा होगा कि जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपका वो पूरा इंट्रोडक्शन जो कि आपको दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर एंटर प्रेस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने जैसे ही एंटर प्रेस किया तो हमारा पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन यहाँ पर हमारे सामने रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी मैटर को ऑटो टेक्स्ट ऑप्शन के अंदर सेव करके रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अपनी हिस्ट्री देखनी है कि आपने कितने मैटर्स को यहाँ पर सेव करके रखा हुआ है तो उसके लिए आपको इसी ऑप्शन पर फिर से जाना होगा, यहाँ पर ऑटो टेक्स्ट पर जाना होगा। तो यहाँ पर देखेंगे हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन के नाम से यहाँ पर एक मैटर सेव करके रखा हुआ है जो हमारे सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। आप डायरेक्टली इस पर क्लिक करके भी उस मैटर को यहाँ पर रिप्रेजेंट करा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसका नाम या कैटेगरी को बदलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको वापस से उसी ऑप्शन पर जाना होगा, ऑटो टेक्स्ट ऑप्शन पर जाना होगा और जो आपने गैलरी यहाँ पर सेव की है उसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको दिखाई देगा एडिट प्रॉपर्टी का एक ऑप्शन,
एडिट प्रॉपर्टी पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी यहाँ पर देखेंगे प्रॉपर्टी यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगी और इसके अंदर आप अपने हिसाब से जो भी चेंजेस करना चाहें, जो भी मॉडिफिकेशन करना चाहें वो आसानी से कर सकते हैं। चाहे आप कैटेगरी चेंज करना चाहें या फिर गैलरी चेंज करना चाहें या फिर इंट्रोडक्शन का कोई नाम यहाँ से चेंज करना चाहें, तो तीनों काम को आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ऑटो टेक्स्ट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।